नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। गोपालगंज जिले के माझा थाना क्षेत्र अंतर्गत दानापुर स्थित एक शिव मंदिर के केयर टेकर मनोज शाह की हत्या का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने घटना में जो इस्तेमाल किया गया रस्सी है, जो हथियार है, उस सबको बरामद कर लिया है। इस घटना में दो महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे घटना के बारे में गोपालगंज पहुंचे सारण DIG विकास कुमार ने बताया कि इस घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग, जो मनोज शाह मृतक है, उसका उसके पड़ोस की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चलता था और लड़की का शादी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद से उसको जो पुराना फोटो और वीडियो है उसके आधार पर उसको ब्लैकमेल करने लगता है, जिसके कारण लड़की अपने गांव आती है और आने के बाद से उसको बुलाती है और बुलाने के बाद तकरीबन 5 दिन तक बंधक बना के रखती है और उसके बाद अपने भाई और कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है। आप भी सुनिए कि गोपालगंज पहुंचे सारण DIG विकास कुमार ने पूरे इस घटना के बारे में क्या बताए। दिनांक 16/12 को मनोज कुमार शाह की हत्या निशंस तरीके से कर दी गई थी, जिसमें उनका आँख भी निकाल लिया गया था। इस संबंध में मांझागढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कर सभी बिंदुओं पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गोपालगंज के नेतृत्व में SIT का गठन कर DIU के सहयोग से तकनीकी मदद के माध्यम से जब कांड का अनुसंधान किया गया तो कांड के अनुसंधान में यह पाया गया कि मनोज कुमार शाह का एक गांव की ही युवती के साथ अवैध संबंध था और प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस युवती की शादी कहीं अन्यत्र हो गई थी मार्च महीने में, जिसके बाद से मनोज कुमार शाह उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे और उस लड़की के माध्यम उस लड़की को फ़ोन करके जो पहले का फोटो और वीडियो था उसको वायरल करने की या उसके पति को देने की बात कर रहे थे। इसी प्रतिशोध में उस युवती के द्वारा अपने भाई और कुछ अन्य लोगों के सहयोग से मनोज कुमार शाह का को बुलाकर उनको अपने घर पर ले जाकर 3-4 दिन रखा गया और उसके बाद से उनकी हत्या कर दी गई। अनुसंधान में यह बात पता चला कि 10 तारीख की रात्रि में लगभग 1:30 बजे मनोज कुमार शाह अपने से घर से मंदिर से निकले थे, जो CCTV फुटेज से भी प्राप्त हुआ था, और उस दिन उसी लड़की के बुलाने पर वो गांव में पहुंचे थे। दोनों का घर अगल बगल में है और वहां से वो लड़की अपने अन्य परिजन के साथ और संबंधी के साथ उनको घर पर ले गई और वहां उनको 4 दिन रखा गया। उसके बाद से फिर जो PO है वहाँ ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना में हत्या किया हुआ चाकू, हत्या में प्रयोग में लाया गया चाकू बरामद किया गया है, जिस रस्सी से और जिस कपड़े से उनका मुंह बंद किया गया था और बांधा गया था वो बरामद किया गया है। इसके अलावा दुपट्टा जिससे उनका गर्दन बांधा गया था वो भी बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो मृतक हैं मनोज कुमार शाह, उनका मोबाइल भी टूटे हुए अवस्था में, इसके संबंध में उस लड़की के द्वारा बताया गया कि उनका मोबाइल चूँकि उसमें 1 GB था और उनका वीडियो वगैरह था तो इसी आक्रोश में उसको तोड़ दिया गया था, वो मोबाइल भी बरामद किया। उस संबंध में ऑलरेडी अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें जो भी दोषी हैं CCTV का भी सहारा लिया जा रहा है, तो जो भी दोषी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो तो संख्या CCTV के और CCTV के माध्यम से और चिन्हित किया गया है, मानवीय आधार पर सब चिन्हित है। तो इस केस में सर पूरी तरह से केस उद्भेदित है और इसमें पूर्ण रूप से यह स्थापित है कि प्रेम प्रसंग में ही, क्योंकि मृतक के द्वारा युवती को ब्लैकमेल किया जा रहा था तो युवती और उनके परिजन के द्वारा यह हत्या की। तो आपने सुने कि गोपालगंज पहुंचे सारण DIG विकास कुमार ने पूरे घटना को संलिप्त लोगों की बारे में क्या बताया और कैसे बताए। इस घटना का कारण क्या था उसको भी उन्होंने स्पष्ट किए।
तो कुल मिला जुला के घटना का जो कारण पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बताई गई बात और जो गिरफ्तारी की गई है उसमें प्रेम प्रसंग सामने आ रहा है, जिसके कारण जो शिव मंदिर के पुजारी नहीं कहा जा सकता है उसको केयरटेकर जो पुलिस कह रही है उनकी हत्या कर दी गई। गोपालगंज से 10 न्यूज़ के लिए मैं शैलेंद्र कुमार।